हम लोग सड़कें बना रहे हैं, हमें लगता है कि जल्द ही हम लोग नंबर दो पे भी पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज, ये सब जो हमने कहा कि सरकारी योजनाओं को बिल्कुल जवाबदेह और उत्तरदायी ढंग से जो हम लोगों ने लागू किया है उसके तहत ये समझिए कि उपलब्धि हासिल हुई है। और स्वास्थ्य से लेकर सभी इंडिकेटर पर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो और अभूतपूर्व तरक्की हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा जो सामाजिक क्षेत्र है जिससे मौलिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उस क्षेत्र में अलग हमारी समझिए जो उपलब्धि न सिर्फ अधिक है बल्कि प्रशंसनीय है कि 16 वर्षों में स्वास्थ्य पर व्यय में 11 गुना वृद्धि हुई है। हेल्थ सेक्टर में खर्च में 11 गुना वृद्धि हुई है पिछले 16 वर्षों में, और शिक्षा पर 8 गुना वृद्धि हुई है। और आप सब जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के यही दोनों पक्ष हैं, विभाग हैं, जो समावेशी विकास के का माहौल तैयार करते हैं। समाज के सबसे पिछले पंक्ति यानी चाहे महादलित, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, या यूं कहें कि विकास का स्वाद या हो रहे विकास का अनुभव करने के लिए, जब तक इन तबकों तक विकास नहीं पहुंचता है तो फिर समावेशी विकास अधूरा रह जाता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये अब हम लोग हासिल कर चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, शिक्षा के क्षेत्र में तो और जबरदस्त है। महिला शिक्षा तो समझिए, हम लोग बिहार तो महिला शिक्षा की बात हो या महिला सशक्तिकरण की बात हो, बिहार तो नजीर बन चुका है। लोग देश तो छोड़िए, दुनिया में बिहार का उदाहरण देते हैं, और हम लोगों की तो बात छोड़िए। आपको याद होगा इसी परिसर में प्रधानमंत्री जी भी आए थे 1.5-2 साल पहले एक कार्यक्रम में, वो भी बिना कहे नहीं रुक सके थे कि भाई बिहार में महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम हुआ है वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। तो आखिर ये तो हम जो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रहे हैं, आखिर यह सब तो उसी का नतीजा है। क्योंकि आप सुनते होइएगा कि हमेशा मुख्यमंत्री कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना और विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित करना ये 100 रोगों की एक दवा है। महिलाएं पढ़ ली, परिवार पढ़ लेता है, परिवार पढ़ लेता है तो समाज पढ़ लेता है। और सभी आंकड़े बताते हैं कि जब महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं तो प्रजनन दर खुद घट जाता है। मतलब हम जनसंख्या स्थिरीकरण के तरफ से सकारात्मक रूप से बहुत ही अच्छे से बढ़ चलते हैं। और समझिए, अगर एक बार जनसंख्या स्थिर हो गई तो कितनी समस्या का समाधान हो जाता है। आज अधिकांश समस्याएं तो जनसंख्या और नियंत्रित बढ़ने के कारण खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। हम व्यवस्था करते हैं तब तक जनसंख्या बढ़ जाती है, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का नतीजा है। और आर्थिक नीतियों, सामाजिक नीतियों के सफल क्रियान्वयन के कारण आज प्रजनन दर जो 4.3 होता था वो आज, हालांकि ये जो हम आपको बता रहे हैं इसमें तो 3.8 की ही बात है, लेकिन आज के डेट में 2.9 हो गया है। आज की बात कह रहे हैं, ये सर्वेक्षण से
आगे की बात है। आर्थिक इस सर्वेक्षण में आपको इससे ज्यादा रहेगा, लेकिन हम आपको एकदम अद्यतन बात हमने बताई है। इस अब रिपीट कैसे होगा, अपने मन से बोलते तो लिखा हुआ पढ़े तब ने हम रिपीट कर। चलिएगा समझ लीजिएगा दूसरे से, या जहां आपको दिक्कत होगी आप पूछ लीजिए। और एक बात और कि महिलाओं के सशक्तिकरण में जो भाई जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं सीधी तौर पर प्रत्यक्ष अनुभव, मुझे भी समाधान यात्रा के क्रम में हुआ है, वो भाई मौन क्रांति हो रही है जीविका अभियान के माध्यम से। जो जीविका से जुड़ी महिलाएं जिस ढंग से बढ़े हुए आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है, समाज का रूप ही बदल रहा है। और आप सब जानते हैं कि जीविका समूह से या स्व सहायता समूह से अमूमन गरीब घर की महिलाएं होती हैं, और छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे ऋण समूह से लेके उन्होंने बड़ा बड़ा परिवर्तन कर डाला है। 5,000 ऋण लेके, 20,000 ऋण लेके जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धि उन लोगों ने हासिल की है, आज किसी की लाख रुपए, किसी की 1.5 लाख रुपए मासिक आमदनी, ये सोच लीजिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। और जो आपको हमने 21-22 का यानी 22-23 का सर्वेक्षण दिया है और उसमें 21-22 के आंकड़े हैं, उसमें समझिए 10,35,000 स्व सहायता समूह बन चुके हैं, और इसमें 1,27,00,000 समझिए जो परिवार यानी जीविका दीदियां ये जुड़ी हुई हैं।